सिंगरौली में टेक्नोलॉजी का गलत उपयोग कर एक नाबालिग छात्र ने सोशल मीडिया पर लोगों की आईडी हैक कर ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी। यह नाबालिग हैकिंग के साथ साथ सोशल मीडिया के माध्यम से महिला की फेक आईडी बनाता था और लोगों के न्यूड वीडियो बनाकर पैसे की मांग करता था। जहां एक तरफ टेक्नोलॉजी लोगों के लिए वरदान है, वहीं इसका दुरुपयोग लोगों के लिए अभिशाप भी बनता जाता है। मोरवा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग छात्र के द्वारा टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग करने का एक नया मामला सामने आया है। 15 वर्ष की उम्र में इस नाबालिग ने टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया का गलत उपयोग कर गैर कानूनी हैकिंग शुरू कर दी। नाबालिग हैकिंग के साथ साथ सोशल मीडिया के जरिए महिला की फेक आईडी बनाकर लोगों से दोस्ती करता था और व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग की आड़ में उनके न्यूड वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करता था। एडिशनल पुलिस अधीक्षक अनिल सोनकर ने बताया कि एक युवक ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई कि प्रियंका नाम की लड़की उसका न्यूड व्हाट्सएप वीडियो रिकॉर्ड कर उसे ब्लैकमेल कर रही है। लगातार पैसों की मांग से तंग होकर वह पुलिस के पास आया है। उसने यह भी बताया कि उसके पड़ोस का ही एक कंप्यूटर जानकार लड़का सॉफ्टवेयर के माध्यम से वीडियो को फैलाने से रोक लेता था, लेकिन वह भी अब रोक नहीं पा रहा है। 15 वर्षीय एक बालक है जो कैनेडियन फर्जी आई नंबर से अपना फर्जी आईपी एड्रेस जनरेट कर लेता था और फेसबुक में और व्हाट्सएप में फर्जी रूप से बना करके और लोगों को जो है ब्लैकमेल करता था। उसमें न्यूड सीन प्रियंका के नाम से अपना आईडी जनरेट किया था और उसमें न्यूड सीन वगैरह दिखा करके व्हाट्सएप में और सामने वाले के एक्शन को ले करके और उससे दूसरे माध्यमों से उसे ब्लैकमेल करता था। ऐसे कई प्रकरण उसने 3-4 किए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी मनीष त्रिपाठी ने आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। साइबर एक्सपर्ट ने बताया कि कंप्यूटर का जानकार बालक ही टेक्नोलॉजी का गलत उपयोग कर लोगों को ब्लैकमेल करता था। पुलिस की पूछताछ में उसने बताया कि भारत में बैन ऐप के माध्यम से अपनी लोकेशन यूएई में दिखाकर यहीं से ब्लैकमेलिंग करता था। बताया जा रहा है कि इस नाबालिग ठग ने सबसे पहले अपने ही घर में चाचा को अपना पहला ठगी का शिकार बनाया था। इस 15 वर्षीय हैकर ने पीड़ितों से मिले पैसे से डार्क वेब के माध्यम से खतरनाक हैकिंग सॉफ्टवेयर खरीदा। क्रिप्टो करेंसी के द्वारा खरीदे गए सॉफ्टवेयर से उसने अब तक करीब आधा दर्जन लोगों को अपना शिकार बनाया था। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज़ आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।